व्यूअर्स अभी भागना पड़ रहा है, ट्रेन निकलने वाली है। हाँ हाँ 10 नंबर है भाई, ये हम भाग रहे हैं। अबे यार क्या क्या चेंज दी थे क्या? अबे तो बीच जो इतनी पड़ेगी भाई, सामान रुक गया हमारा सारा, ये तो कुछ इतना मेरा बैग नहीं है भाई। क्या बोले हैदराबाद बायरोड दिल्ली पहुंचाएगा। देखिए इसको, देखिए मेरे भाई, इसकी वजह से बंदा रह गया और खा रहे बैठ गया यहाँ पर। और अब हमने उसको बाय एयर बुलाया है, उसकी टिकट की वैसे ₹2,000 का। ओहो, तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं फैसलाबाद पे और यहाँ ट्रेन की रिफिल चल रही है, सॉरी टैंक्स की रिफिल चल रही है और बस खाने का वेट कर रहे हैं। हमें हर स्टॉप पे 2-5 मिनट का ब्रेक मिल रहा था, यहाँ आधे घंटे का ब्रेक है ना। अब क्या होगा, इसमें क्या कर दिया, जोड़े तो इसको, जोड़े इसको 1-5 इंजन लगा दिया, जोड़े इसको 1-5 का, ये जोड़ रहा है, ताकत लगाओ। अबे तू भी आ, ये इंडियन ड्रामे देख के नहीं, ये थोड़ा दिमाग पे इसका असर हो गया। डुम डन 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 डुम डन 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 डुम डन, ये देखे ना, जाइए तारे जमीन पर, ये हर जगह पे इसको ओवर एक्टिंग चाहिए होती है बस। निकलने वाले हैं और ट्रेन भी सब रेडी है, पैसेंजर्स आ रहे हैं। बिरयानी है, बिरयानी देखने से तो मजेदार लग रहे हैं भाई। हाँ कुछ तो वसूली हो, पिंडी आ चुके हैं और ये रहा पिंडी स्टेशन। अब वहाँ होटल पहुँचते हैं, खाना खाएंगे फ्रेश होंगे और आपसे मिलते हैं। के पराठे बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह नाचे से फारिक हो चुके हैं भाई। जबरदस्त नाचते हमने यहाँ गरा चनों के साथ, पराठों के साथ सामू भाई, चाय एंजॉय कर रहे हैं। मौसम इतना हसीन हो रहा है और उसके बाद नाश्ते के बाद आपको पता चाहेगा। गाड़ी भी हमने कर ली है, मैंने उससे कहा 600 रुपये लगेंगे, मैंने कहा भाई 300 ले लें, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद आसिम रेडी है, पकड़ के आ जाओ। बाकी ऐसा हो गया कि भाई जो लोग रेडी हैं वो जा रहे हैं और बाकी जो रह गए, ये वाली है और बाकी जो रह गए वो अब ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स गो, चलते हैं फैसल मसूद। व्यूअर्स फाइनली आ चुके हैं भाई फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में। भाई चेक करें यहाँ का ज़बरदस्त वेदर, ज़बरदस्त मौसम और यहाँ की आइकॉनिक ग्रीनरी, तो भाई काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी बेहतरीन सुबह यार। तो चलते हैं फैसल मस्जिद को, पहले भी यहाँ आ चुका हूँ मैं 2 बार और ये मैं 3री बार यहाँ पर आना है, तो अब दोस्त आते हैं मेरे यहाँ पर और काफ़ी अच्छा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें और उसको काफ़ी अपनी बहुत अच्छी बेस्ट मेमोरीज यहाँ की बनाएं। व्यूअर्स डन विद द फोटोग्राफ्स और काफ़ी मज़ा आया पिक्चर्स लेने में। व्यू के साथ साथ यहाँ का वेदर भी काफ़ी बहुत प्लेजेंट है और यहाँ तो भाई मंकीज भी घूम रहे हैं, दो मंकी हमें दिखे, एक हुआ रहा छोटा सा, और दूसरा वाला वो बैठा ये मांगता रहता है मतलब। हाँ भाई यार, लेकिन माशाल्लाह भाई आज सामा फुल ना हुआ के फुल जबरदस्त लग रहा है भाई, माशाल्लाह सुभानअल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। चांद बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बड़ा जबरदस्त लगा यार, आप लोगों के साथ मिलके बहुत मजा आ रहा है। आपको बहुत मिस किया हमने, डब टूर पे आप रह गए थे बस, और ये शख्स है ना जिसने आपको लेट करवाया है। आप लोग ने 24 घंटे का सफर किया, मैंने 2 घंटे में नसीब की बात, हमसे पहले पहुँच गए भाई, भाई सुकून से लेटते हुए आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? तो आज करने वाले हैं अपने डे 2 का आगाज़, जो और आज मौजूद हैं हम यहाँ पर नारायण होटल में। क्या खूबसूरत वाइफ वाइफ से यहाँ पे आ रही हैं, बहुत ही हसीन सुबह है और दोस्त यहाँ सब रेडी हो रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट पैकिंग अप कर रहे हैं। इस बंदे ने हमें बहुत लेट करवा दिया आज, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं। और आसिम भाई क्या वजह है यार इतनी लेट क्यों कर रहे हैं अब यार? कॉन्स्टिपेशन, कोई अच्छी सी दवाई बताएं कमेंट सेक्शन में यार इस बंदे के लिए मेरे भाई। हाँ भाई क्या कह यार, इतने बहुत तंग कर दिया हमें यार भाई, कभी ये मोची से कपड़े सिलवाने जा रहा है, कभी कुछ सिलवाए, जो सिलवाने वाली चीज है वो सिलवा नहीं रहा, बस यही सिलवा रहा है, आगे पीछे की चीज कब्ज अलग हुआ हुआ, इसकी वजह से लेट हुए। बहुत तंग कर रहे, खैर एंजॉय कर रहे हैं। रूम नंबर हमारा 101,
नौ लोग जो एक बच्चा लेकर आए हैं साथ अपने। हाँ संभाल ले इसको, हम दम से लाए हैं। साहब भाई क्या कहेंगे भाई, अब सर्दी कैसी हो रही है यहाँ पे? भाई जल्दी से जल्दी करें कि रात में ना पहुंचे, निकलते हैं कुछ फटाफट। तो भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रामा, रामा जाएंगे वहाँ ना, रामा लेक भी हमें देखनी है। और वहाँ लीला चाहे राम ना दोनों, तो बस वहाँ पहुँच के भाई रामा के ऊपर नाइट कैंपिंग करनी है और रामा लेक पे जाके वहाँ कुछ देर स्टे भी करनी है। बहुत ही टेस्टी चपड़ी कबाब हो रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा था मछली खा रहा हूँ। यहाँ गाड़ी रुकी है और यहाँ पे भाई हमें बताया भाई हमारे गाइड ने कि यहाँ से जैसे प्याला लेके आपको भी दिखाते हैं। लुक एट दिस व्यू, अब चेक करेंगे बस ये जबरदस्ती देखें, ये रही ये प्याला लेक, क्या ब्यूटीफुल लेक है ये, नेचुरल बनी हुई है यहाँ पर। और प्याला का इसका बिल्कुल शेप है तो लोग बोलते हैं प्याला लेक। चेक करें दरिया यार बहता हुआ, क्या ठंडी यहाँ ब्रीज चल रही है, ठंडी हवा। और ये देखें सस्ते शाहरुख खान बने हुए यहाँ पर, ये देखें ये 100 रुपये की 3 100 रुपये की 3 ना, 100 के 4 ये 1, 2, 3, 4 शाहरुख खान समझ आ रहे। और ये इनका साथ है फ्री है, फ्री में करते ही नहीं, इस साथ में फ्री है। यहाँ का हमारे पास बहुत शॉर्ट स्टे, आई थिंक बस 5 से 6 मिनट यहाँ रुकेंगे, हमें जाना है रामा, क्योंकि रामा लेक भी हमें देखनी है, वहाँ पे स्टे भी करना है। और हमारी कोशिश है कि हम सारे स्पॉट सही टाइम पे कवर कर लें। तो भाई ये देखिए आ चुके हैं हम जबरदस्त जगह पे, ऑलमोस्ट पीछे नहीं जा रहे अब तारा, थोड़ा सा खतरा भी होता है नीचे जाने का ना, हाँ स्लीप होता है मसला होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ से आई थिंक पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ से, और ये पूरी खूबसूरत तस्वीर लेक बनी हुई है। लुक एट दिस, अंडर अंडर हुए के हेमंत भाई ने कहा यार गर्मी लग रही है, मैंने कहा हाँ यार बाकी पसीने मुझे भी आ रहे हैं। फिर जब देखा तो रिपोर्ट मिली कि चिलास आ गए, और चिलास में आगे बैठनी, और ये मिली हमें कि आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है और आगे जानी है। बस गर्मी बस दारा थी यहाँ पर, तो हमने हल तो निकाला है ना, देखिए यहाँ पर ही दरिया बह रहा है और हमने आसान से आता सुना यहाँ से जाएंगे नीचे से आराम से घूमते 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 नीचे दरिया के पास। चिलास का दरिया, चिलास मेरा भाई मोइन भाई चले रेडी है, नीचे पहुंचते हैं इसी तरह दरिया के पास, वहाँ पे वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, शाम गुजारेंगे और इंशाल्लाह जो होगा आपको दिखाएंगे। तो बस ये लोग यहाँ बैठे हुए यहाँ पे होटल वाले कर ले यहाँ पर होटल, अबे क्या हो गया रास्ता खोल गया तुम लोग को जब तक बात कर रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, चलो गाड़ी में बैठो, लेट्स गो दोस्तों। शुक्र यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत गर्मी थी यहाँ और रास्ता खुल गया है, रास्ते क्लियर भी हो गया। पुल कहाँ पे जा रहे, अस्तोर अस्तोर देन रामा 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 गजब हो गया, फ्रैंक हो गया मेरे साथ, इन्होंने बोला भाई के जाना है स्टोर, रास्ते खुल गए लेकिन चिलास में होटल बुक कर लिए, बोल रहे हैं आशीष चाहिए नहीं है, आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया था भाई, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया भाई प्रैंक करके, ये जाते हैं झूठ बोला है ना ता भाई, जब मैंने झूठ बोला है ना यार रामू मेडोस आपको भी यहाँ से रामा झील लेके जाएंगे पीछे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, रात में स्टे करने बिलाल भाई खाने का सीन क्या आप बनाएंगे यहाँ पर? यार अभी बोला तो हमने कि चूल्हे का इंतजाम कराओ, होटल वाले से बात करो आप जाके, अगर वो चूल्हे का बोलता है तो फिर इंशाल्लाह हम कढ़ाई बनाएंगे यहाँ पे, चिकन कढ़ाई और रेसिपी सबको शेयर करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोगों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई ये हमारा रूम है, ये दो रूम के लगे हुए, क्या बोल रहे हो भाई, बनाएंगे हम दिखाएंगे आप। दिखाएंगे आपको आज हम करने वाले बारबेक्यू एट चिलास, चिलास में हम मौजूद हैं, हमने स्टे करा हुआ है और हमारे साथ मौजूद है बिलाल भाई, आपको मैंने कहा था फर्स्ट व्लॉग में भाई शेफ भी हैं। और तो भाई देखें क्या क्या आइटम बन रहे हैं, मिक्सिंग चल रही है बारबेक्यू की, हम बनाएंगे चिकन टिक्का। तो बिलाल भाई रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे मसाले भी हमारे रेडी हैं,
पहले हम डाल लें इसमें हल्दी। ये गई हमारी हल्दी, ठीक है। ये स्पेशल चिकन दिख के रेसिपी शेयर करना आपको। और इसके अंदर हमने ये मिर्ची डाली है, बहुत सादे से मसाले। इसके बाद आप आ जाए अदरक लहसुन, अदरक लहसुन जो हमने अच्छे से हाथ से ग्राइंड किया, इसका अपना ही टेस्ट होता है। बिल्कुल, ये मोटा मोटा पीस चाहिए। आप भी घर में बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। बाहर जैसा लुक और बाहर जैसा स्वाद मिलेगा आपको भाई। टेस्ट की तो गारंटी मेरी है भाई, हमने बहुत खाने खाए मसाले के हाथ के ना, बारबेक्यू हो, हलीम हो या कुछ भी हो, कढ़ाई हो, उनके साथ कोई फैन है भाई। मतलब चिलास में भी हमने बहुत ट्राई किया, हमें योगर्ट ना मतलब फ्रेश नहीं मिला, ये पैकेट वाले मिले, पैकेट वाले मिले, तो उसकी टेस्ट की गारंटी मेरी नहीं है। अच्छा, फौरन से ही, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है आपको पता होगा। दिखाया मैंने ऑडियंस को योगर्ट किस तरह का हो रही है, थिकनेस देखें इसकी, जबरदस्त भाई। अच्छा, स्पाइसी है या फिर नॉर्मल है? लाल भाई स्पाइसी करना है, जबरदस्त। ये हमने इसको स्पाइसी कर दिया, मिक्स करना। लाल भाई क्या था लवस में, ये रेड रेड, ये लाल मिर्च, ये हाँ, ये कलेजी है, कलेजी भी, कलेजी की वैरायटी है। ये लाइव मुर्गी कटवाई है फुल, तो इसके अंदर जो भी इसके सिस्टम होता है वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। मैरिनेशन कर दी है चिकन की, अब इसको हम जाएंगे इसको गरम गरम टिक्को पे, सॉरी पुलो पे, इसको बनाएंगे और खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। जबरदस्त टिक्के तैयार है भाई, वीआईपी पार्टी। लोग का वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलास। सिलास में हमारी पहली सुबह है, यहाँ हमने नाइट स्टे किया था रात में, क्योंकि रास्ते में हो गई थी लैंड स्लाइडिंग और रास्ते बंद हो चुके हैं प्रॉपरली, तो होपफुल हैं और दुआ कर रहे हैं कि रास्ते खुल जाएं और हम जाएं। रायगोट से आ गया स्टोर, स्टोर से फिर जाना है दुमैल, मिनीमर, देवसई, रामा, तो इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं रास्ते खुले और फिर टूर को हम कंटिन्यू करें और मजीद चीज़ें एक्सप्लोर करें। अभी यह नाश्ता करना है, ये चिलास के प्राइम माउंटेन्स, काफ़ी गर्म ये एरिया है और होपफुल है कि आज रास्ते खुल जाएँ आगे पड़े, तो बस नाश्ता करेंगे। ये हमारा लाउंज है जहाँ रुके हैं, सब सो रहे हैं, हम उठेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे और मजीद अपने दुअर को होपफुल है कि कंटिन्यू करें। स्टेडियम कहीं चाहिए नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ सोने अब कर ना, अब कर। भाई ये बहुत जोश में आ गया, इसने तो उठाने के चक्कर में शर्ट फाड़ दी इसकी। अरे नहीं गई, यहाँ से देंगे ऐसे। हाँ फट गई, फट गई सामा। मामा नई शर्ट ली है, मामा नई शर्ट है। यार सबको हमने उठा दिया है क्योंकि 11 बज रहे हैं, सो रहे हैं ये, हमने फुल फॉर्म लगा दी है, हम खेल रहे हैं डोमिनो, तो बस वो फुल ये लोग उड़ जाए, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आगे चीज़ों को एंजॉय करेंगे। अल्लाह का शुक्र रास्ते खुल गए हैं और आधे घंटे पहले ही हमें अपडेट मिल गई है, अब जा रहे हैं हम रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए। बस यार चलो भाई जल्दी करो भाई ना, यार निकलना है भाई, भाई चलो यार, उठ जाओ यार, उठ जाओ। मिसेस अहमद, सुनो बात सुनो। आसिम भाई कैसे, आपके साथ तासुरात है? तासुरात बिल्कुल सही है, शाम भाई के साथ कुछ नहीं है, बहुत गेम से पूछो हमारी मिसेस से, हमारी मिसेस से पूछो। अहमद भाई कैसा लग रहा है आपको, रास्ते खुल चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि गार्डन गार्डन सा हो गया है। अच्छा अब निकल लो, गर्मी बहुत है। एक अल्फाज पूछा था ज्यादा, लुक एट दिस, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल व्यू वाटर है यहाँ का, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। तो व्यूअर्स सेब खाने का मूड हो रहा है, उसको हम वॉश करेंगे इस फ्रेश बहते हुए ठंडे से, देख के जरा मुझे गिरे ना हो। असलाम भाई, सबर नहीं हो रहा आपसे क्या? नहीं भाई, भाई फौरन खाना है, चलते हैं भाई आगे इसको वॉश करते, या अल्लाह बच जाए बस, गीले हो गए। अहमद बहन जाए, आराम से करना है,
ये व्यू शायद आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, मगर इस पॉइंट पर आके आपने अगर इस व्यू को देखा, मैं कह रहा हूँ वसूल, जो मेहनत करी चलने में वो सारी वसूल। उसका नाम क्या रखा हमने? उसको हम कहते हैं मुर्शद। मुर्शद, हाँ। ये नांगा पर्वत की एक छोटी सी झलक है, ये बहुत माइटी माउंटेन है। तो व्यूअर्स, रामा लेक पर आए और यहाँ का जो पानी है वो चेक ना करें तो कैसा रहेगा? हाँ सुनोगे भाई, डायरेक्ट ग्लेशियर से पानी आ रही है, इतना ठंडा पानी है ना, ये क्या बताऊं, नॉट पॉसिबल भाई। एक दफा मुई मुंह पे चुप रही हाथों में है? लग रहा है डिफ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा पानी। ये तो कसम से इतना ठंडा पानी दिखा ही नहीं है मैंने, लेकिन नेचुरल वाटर है ये, अल्लाह का तोहफा हमारे लिए। यहाँ के तो हम भाई कोशिश करते हैं ज्यादातर हम चश्मे का और ये रिवर का पानी पिए, ताकि ये पानी को ये नेमत अल्लाह की तरफ से ना। सही बात है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। बस चलते हैं वापस नीचे अब कैंप की जाने, तो स्टे ट्यून। अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा डिनर आ चुका है, यहाँ पर रामा भी मौजूद है फॉरेस्ट पर। लाइट लाइट बूंदा बांदी चल रही है, बारिश स्टार्ट हो रही है और ये कढ़ाई बनवाई हमने, फ्रेश फ्रेश दाल रोटी यहाँ पर मौजूद है हमारी, सब कुछ फ्रेश है, ड्रिजलिंग हो रही लाइट लाइट, तो भाई इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, तो खाने से फ्री हो चुके थे और अब टाइम हो गया चाय का। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो मजबूरन हमें अंदर चाय बनानी, कैंप के अंदर चाय बनाने के लिए बिल्कुल आना पड़ा। तो चाय बना रहे मुइन भाई, आपको दिखाते हैं चाय। मुइन भाई चाय बना रहे, खुशबू से आपको पता लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही। और चाय है, बारिश है, एक शेर हो जाए, एक शेर हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल अर्ज कर देते हैं भाई, सुना दे भाई। शेर शेर कुछ इस तरह से है कि अंधेरी रात गहरे साए, खाली कुर्सी एक कप चाय। आए हाय हाय हाय। और शुजा भाई आप कुछ कहेंगे शेर? जानी मैं तो बस ये बोलूंगा, मेरा शेर तो ये रहा, मेरे बराबर में बैठा है मेरा चीता, बाकी चाय का इंतजार है। आपने बिल्कुल मूड खराब कर दिया, खराब हो गया बिल्कुल। मुई भाई क्या कहेंगे जी? भाई यार आज तो मतलब अच्छा खासा रामा को एंजॉय कर लिया, रामा फॉरेस्ट भी है और रामा लेक भी, बारिश हो रही है, कैंप में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। आज काफी मूड भी ऑफ है यार, मोबाइल टूट गया तो मतलब हाथ पांव ही कट गया सा लग रहा है। टूर के जो व्लॉग्स थे वो रुके हैं, वो आपका चल रहा है आसरा, शाह भाई के मोबाइल हम यूज कर रहे हैं व्लॉग के लिए, शराज भाई का, तो जितना हो सके का व्लॉग बनाएंगे, आपको शेयर करेंगे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एडवेंचर हम कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो व्यूअर्स अब वक्त आ गया अल्लाह हाफिज़ कहने का रामा लेक को, कुछ आखिरी मोमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अल्लाह हाफिज़।